सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और कहानी का नाम है मूत्री, जिसके लेखक हैं सादत हसन मंटो। तो आइए शुरू करते हैं कहानी मूत्री। कांग्रेस हाउस और जिन्ना हाल से थोड़े ही फासले पर एक पेशाब गाह है, जिसे बंबई में मूत्री कहते हैं। आसपास के महलों की सारी गलाजत इस ताफुन भरी कोठरी के बाहर ढेरियों की सूरत में पड़ी रहती है। इस कदर बदबू होती है कि आदमियों को नाक पर रुमाल रखकर बाजार से गुजरना पड़ता है। इस मूत्री में एक दफा उसे मजबूरन जाना पड़ा पेशाब करने के लिए। नाक पर रुमाल रखकर सांस बंद करके वो बदबुओं के इस मस्कन में दाखिल हुआ। फर्श पर गलाजत बुलबुले बनकर फट रही थी, दीवारों पर अजाए तनासुल की मुहीत तस्वीरें बनी थी। सामने कोयले के साथ किसी ने ये अल्फाज लिखे हुए थे, मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा। इन अल्फाज ने बदबू की शिद्दत और भी ज्यादा कर दी। वो जल्दी जल्दी बाहर निकल आया। जिन्ना हाल और कांग्रेस हाउस दोनों पर हुकूमत का कब्जा है, लेकिन थोड़े ही फासले पर जो मूत्री है इसी तरह आजाद है अपनी गलाजतें और उफूनतें फैलाने के लिए। आसपास के महलों का कूड़ा करकट अब कुछ ज्यादा ही ढेरियों की सूरत में बाहर पड़ा दिखाई देता है। एक बार फिर उसे मजबूरन इस मूत्री में जाना पड़ा। जाहिर है कि पेशाब करने के लिए नाक पर रुमाल रखकर और सांस बंद करके वो बदबुओं के इस घर में दाखिल हुआ। फर्श पर पतले पाखाने की पपड़ियां जम रही थीं। दीवारों पर इंसान के औलाद पैदा करने वाले आज़ा की तादाद में इजाफा हो गया था। मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा कि नीचे किसी ने मोटी पेंसिल से ये घिनौने अल्फाज तहरीर किए हुए थे। हिंदुओं की माँ का अखंड हिंदुस्तान मारा। इस तहरीर ने मूत्री की बदबू में एक तेजाबी कैफियत पैदा कर दी। वो जल्दी जल्दी बाहर निकल आया। महात्मा गांधी की गैर मशरूत रिहाई हुई, जिन्ना को पंजाब में शिकस्त हुई। जिन्ना हाल और कांग्रेस हाउस दोनों को शिकस्त हुई ना रिहाई। उन पर हुकूमत का और उसके थोड़े ही फासले पर जो मूत्री है उस पर बदबू का कब्जा जारी रहा। आसपास के महलों का कूड़ा करकट अब एक ढेर की सूरत में बाहर पड़ा रहता है। तीसरी बार फिर उसे इस मूत्री में जाना पड़ा, लेकिन पेशाब करने के लिए नहीं। नाक पर रुमाल रखकर और सांस बंद करके वो गलाजतों की इस कोठरी में दाखिल हुआ। फर्श पर कीड़े चल रहे थे, दीवारों पर इंसान के शर्मनाक हिस्सों की नक्काशी करने के लिए अब कोई जगह बाकी नहीं रही थी। मुसलमानों की बहन का पाकिस्तान मारा और हिंदुओं की माँ का अखंड हिंदुस्तान मारा के अल्फाज मद्धम पड़ गए थे, मगर उनके नीचे सफेद चाक से लिखे हुए ये अल्फाज उभर रहे थे, दोनों की माँ का हिंदुस्तान मारा। इन अल्फाज ने एक लहजे के लिए मूत्री की बदबू गायब कर दी। वो जब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला तो उसे यूं लगा कि उसे बदबुओं के इस घर में एक बेनाम सी महक आई थी, सिर्फ एक लहजे के लिए। तो ये थी कहानी मूत्री। कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है।